श्रीगंगानगर की फर्स्ट सब्जी मंडी में तूफान के बाद शांति का माहौल। होलसेल में रेट सामान्य दरों पर, लेकिन खुदरा विक्रेताओं ने नहीं घटाए रेट, दुकानों पर भीड़ छंटी। गुरुवार को देश में कर्फ्यू लगने की अफवाहों के बाद एकाएक सब्जी और राशन की दुकानों पर उमड़ी भीड़ आज शुक्रवार को छंट गई है। श्रीगंगानगर की होलसेल सब्जी मंडी में गत दिवस मांग बढ़ने से आलू प्याज के रेटों में मामूली बढ़त देखी गई। आलू और प्याज के रेटों में मांग बढ़ने से 2 से 3 रुपए प्रति किलो की तेजी रही। हालात एकदम सामान्य हैं। सब्जी मंडी में फल और सब्जियों की आवक सामान्य दिनों की तरह रही। मंडी में स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में है। खुदरा दुकानों पर भी भीड़ नहीं दिख रही। हालांकि आलू प्याज के रेट खुदरा विक्रेताओं ने अभी कम नहीं किए हैं। गुरुवार को 5 दिन सब्जी मंडी बंद होने की अफवाहों के बीच उपभोक्ता मंडी की तरफ दौड़ पड़े। इसी कारण रेड़ी वालों ने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए, लेकिन हकीकत है कि मंडी में सब्जी की कोई कमी नहीं है। गुरुवार शाम को बाजार में ग्राहकों के उमड़ने पर रेड़ी वाले मंडी में आलू प्याज और टमाटर की खरीद करने पहुंच गए। इसी कारण आलू और प्याज के दाम 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। केवल अफवाह के कारण कुछ दाम बढ़ गए। फल विक्रेता गुरदयाल सिंह खनुजा ने बताया कि सामान्य दिनों की तरह मंडी में सब्जी पहुंच रही है। थोक विक्रेताओं ने कोई दाम नहीं बढ़ाए हैं। गुरुवार शाम को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने भी मंडी में पहुंचकर सब्जी फल की कालाबाजारी नहीं करने के निर्देश दिए थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि कालाबाजारी करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बंद की वजह से शाम को अफरा तफरी मच गई और लोगों ने दुगने तिगने भाव में माल बेचा। आज थोड़ा कल से भाव अच्छे है, ज्यादा भाव है कल से। ये खुली है सुबह 4 से लेकर रात को 8 बजे तक। फल सब्जी विक्रेता पुरुषोत्तम पाहुजा ने क्या कहा, सुनिए। ग्राहकों को लगा कि गंगानगर सब्जी मंडी बंद रहेगी तो ये एक अफवाह थी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मंडी लगातार खुलती रहेगी, फ्रूट सब्जी लोगों को मिलता रहेगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सब्जी विक्रेता निक्का छापड़ा ने बताया कि कोरोना वायरस की आशंका के बीच गुरुवार को अफवाह फैल गई कि मार्केट बंद रहेगा। ऐसे में लोगों ने सब्जी का स्टॉक करना शुरू कर दिया, इस कारण तेजी आई। उन्होंने बताया कि परसों के मुकाबले आज सब्जी के दाम कुछ अधिक हैं। आज थोक में आलू 20 रुपए से 24 रुपए तक बिका, जबकि परसों दाम 15 रुपए के आसपास थे। आज प्याज 17 से 25 रुपए तक बिका। गोभी आज 20 रुपए प्रति किलो बिकी, जबकि परसों गोभी के भाव 10 रुपए थे। मटर आज 25 रुपए किलो बिका, जबकि पहले मटर के भाव 15 रुपए थे। लोगों ने स्टॉक कर लिया, इस कारण थोड़ी तेजी है। 2 दिन में सब्जी के भाव पहले की तरह ही हो जाएंगे। सब्जी मंडी के अंदर कोई सब्जी मंडी बंद नहीं, किसी आर्थ का काम रेगुलर वैसे की वैसे चल रहा है, सभी बोली हो रही है। पर लोगों की अफवाह की वजह से लोगों को दुगने रेट में माल लेना पड़ रहा है। कल भी रेडी वालों ने डबल भाव में 4 गुना रेट में बेच के अच्छा मार्जिन कमाया, अब रेडी वाले ले रहे डबल भाव में, वही हालत अभी यहाँ चल रही है। वहीं फल व्यापारी महेंद्र कुमार ने क्या कहा, देखिए। अफवाहों पे ध्यान ना दें, सब्जी मंडी पहले की तरह पूर्ण रूप से चालू रहेगी। किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें, रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी किसी भी प्रकार की। सामान सारा पहले की तरह से मिलता रहेगा, फ्रूट में कोई भी किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं है। अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। कल क्या रेट था आलू और आज क्या रेट में है? कल 10 रुपये 11 रुपये था, रात को 13 बिका है, दिन में 17 18 20 हो गया, जैसे माल कम होता गया। आज होलसेल में 20 बिका है। 20 बिका, बढ़िया, 18 से 20। तो रेट तेज का कारण क्या है? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।